नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव पार्टिकल का एक जेट होता है जो मशीनिंग प्रोसेस करता है वर्कपीस पर। ये जो एब्रेसिव पार्टिकल का जेट है वो एक मिक्सिंग चैम्बर में बनाया जाता है, जिसमें होपर से एब्रेसिव पार्टिकल आते हैं और गैस सप्लाई जो गैस रेगुलेटर से कंट्रोल होती है उससे गैस आती है और मिक्सिंग चैम्बर में ये मिक्स होता है और फाइनली आउटपुट होज के द्वारा जो कंट्रोल वाल्व होता है उसकी सहायता से कंट्रोल्ड वे में एब्रेसिव पार्टिकल को स्प्रे किया जाता है वर्कपीस पर। जब ये वर्कपीस पर स्प्रे किया जाता है या इम्पैक्ट किया जाता है तो इस इम्पैक्ट की वजह से वर्कपीस पर इरोजन प्रोसेस होता है, तो बाई इरोजन मटेरियल रिमूव होता है। जो एब्रेसिव पार्टिकल इस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली Al2O3 और सिलिकन कार्बाइड के बने होते हैं, और इसमें जो नोजल की टिप है वो वर्कपीस से दूर ले जाने पर, यानी डिस्टेंस अगर उसकी वर्कपीस से दूर ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण जो मटेरियल रिमूवल है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ये दूरी बढ़ाते हैं एक समय के पश्चात ये वापस मटेरियल रिमूवल प्रोसेस डिक्रीज होने लग जाता है। इस प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो है कि लो कॉस्ट है, ईज ऑफ ऑपरेशन है और बहुत ही कम हीट जनरेशन होता है। इस प्रोसेस के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें जो मटेरियल रिमूवल होता है बहुत ही कम स्पीड से होता है और साथ में जो सरफेस फिनिश मिलती है वो बहुत ही पुअर होती है। इस प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है वो सैंड ब्लास्टिंग में स्केलिंग एंड ऑयल रिमूव करने के काम आता है जो कि पर्टिकुलर सरफेस पर होती है, और जो गैसें इसमें यूज होती है एब्रेसिव पार्टिकल के साथ में वो बेसिकली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई और एयर होती है। तो ये तो था एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। थैंक यू।